ये बीजेपी को समझ में नहीं आ रहा। हरियाणा में भी ऐसा ही होगा, बेचारे बीजेपी वाले अपनी एजेंसियां इस्तेमाल कर रहे हैं कि जीत का जो एक सर्टिफिकेट है वो इनकी इन हरकतों से पहले दिन से ही तय हो जाता है, ये इनके कार्यकर्ता इनको साफ करवा दें। तो हाफ हो चुका है, साफ करवा दिया जाएगा। डरे हुए तो वो लोग हैं जो ये अपनी एजेंसियों का इस्तेमाल कर रहे हैं, वो बिल्कुल ही डेस्परेट है। इनकी इनकी काम करने का तरीका ही है, तो इनसे क्या डरना है। महेंद्रगढ़ में अमित शाह आए थे ओबीसी सम्मेलन में, उस दौरान उन्होंने कई ऐसी बातें कही भ्रष्टाचार को लेकर, जैसा आप भी कह रहे हैं कि उल्टा जो है वो कांग्रेस से ही जवाब मांग रहे हैं कि वो अपने समय के 10 साल का भ्रष्टाचार का दे। लेकिन उसके बाद जो ईडी की एंट्री होती है, रावदान सिंह है उनके यहाँ परेड होती है, सुरेंद्र पवार है उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है, हुड्डा साहब से जुड़े हुए एक मामले को भी एक बार फिर से खोल दिया जाता है, ठीक चुनाव से पहले जिस तरह से ईडी एक्टिव हो गई है, इसको किस तरह से देखते हैं आप? देखिए, ठीक लोकसभा के चुनाव से पहले भी अगर आपको याद होगा तो ये सब शुरू हो गया था। अगर आपको याद है तो ये तमाम चीज़ें उस दौरान भी इन लोगों ने ईडी की, सीबीआई की, पुलिस वालों की, ये तमाम चीज़ें इन्होंने वहाँ पर जो है लोगों के रेड डाले, लोगों को पकड़ने का काम किया। इससे पहले कर्नाटका में जो चुनाव होना था तो आप लोगों को याद हुआ कि किस तरह से कांग्रेस नेताओं के साथ इन्होंने जो हाल किया था उनका, खासकर हमारे जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं शिव कुमार, उनके साथ में क्या किया था। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं ये बीजेपी को समझ में नहीं आ रहा कि जितना इसके ऊपर अपना जोर लगाते हैं उतना ही इनके खिलाफ जो है वो वहाँ का माहौल बनता जाता है। और हरियाणा में भी ऐसा ही होगा, बेचारे बीजेपी वाले अपनी एजेंसियाँ इस्तेमाल कर रहे हैं, और ये एजेंसियाँ जो है जनता के बीच में, जब जनता देखती है कि हमारे लोगों के ऊपर अत्याचार हो रहा है तो फिर उसका परिणाम देते हैं, और वो दल बल के साथ में देते हैं। और कहना चाहिए कि जीत का जो एक सर्टिफिकेट है वो इनकी इन हरकतों से पहले दिन से ही तय हो जाता है। यानी कि सीधे सीधे माने कि बीजेपी कहीं ना कहीं जो पीछे सरक गई है, अभी जो नतीजे भी आए लोकसभा चुनाव के, 5 सीटें हारी, 2019 में 10 सीटें जीती थी पूरी की पूरी, तो बीजेपी को इस बात का डर सता रहा है कि कांग्रेस जीत रही है तो ईडी के सहारे वो जीतना चाह रही है। इन्होंने गलत सहारा ले लिया है। देखिए, लोकसभा में हरियाणा में ये हाफ हो चुके हैं, और इनके जो एजेंसियाँ हैं, इनके कार्यकर्ता जो हैं, ये ईडी सीबीआई वगैरह, ये इनके कार्यकर्ता इनको साफ करवा दें। तो हाफ हो चुका है, साफ करवा दिया जाएगा। क्या इस बात की भी आशंका कहीं ना कहीं है, जिस तरह से सुरेंद्र पवार जो है विधायक है सोनीपत से कांग्रेस को, उनको गिरफ्तार कर लिया, क्या और गिरफ्तारियां भी यहाँ पर हो सकती है? इस बात का कहीं डर आशंका भी कहीं ना कहीं होगी, क्योंकि ईडी है, जिस तरह से अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया, झारखंड के मुख्यमंत्री को गिरफ्तार किया ठीक चुनाव से पहले, इसी तरह की क्या स्थिति यहाँ भी देखने को लग रहा है? देखिए, ये डर नहीं है। डरे हुए तो वो लोग हैं जो ये अपनी एजेंसियों का इस्तेमाल कर रहे हैं, वो बिल्कुल ही डेस्परेट है कि भाई इनको कैसे कमज़ोर किया जाए। किस तरह से, आप देखिए, कांग्रेस जो है देश की सबसे पुरानी और बड़ी पार्टी थी, उन्होंने उसके सारे के सारे अकाउंट ही फ्रीज कर दिए। तो ये इस तरह की टेक्निक और इस तरह की चीज़ें वो हरकतें करते रहते हैं, और इन्हीं हरकतों का नतीजा डर नहीं, आशंका भी नहीं है। इनकी इनकी काम करने का तरीका ही है, तो इनसे क्या डरना है। इनकी काम करने के तरीके का तो सामना कर चुके हैं कांग्रेस के सारे कार्यकर्ता, पूरे देश में इनका सामना कर चुके हैं, और उसका फल जो है, उसका नतीजा जो है, जनता ने इनको दिखाया कि हम ये करेंगे आपके साथ, और इस बार भी हारेंगे आप।